गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल क्या होता है इट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम करस्पॉन्डिंग टू विच द एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन इन द रेयर मीडियम इज नाइंटी डिग्री दैट मीन्स अगर कोई लाइट आपकी ट्रैवल कर रही है रेयर से सॉरी डेंसर टू रेयर मीडियम में तो डेंसर मीडियम में जो एंगल बनेगा कब जब रिफ्रैक्शन कितने डिग्री पर हो रहा हो 90 डिग्री पर हो रहा हो तो जो इंसिडेंस एंगल होगा वही आपका क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाएगा दैट मीन्स क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम में हम उस एंगल को कहेंगे जिस एंगल पर रिफ्रैक्शन नाइन्टी डिग्री okay. पर हो रहा है अब यहाँ पर कुछ केसेस हैं आपके जैसे नॉर्मल रिफ्रैक्शन हमारा कब होता है जब क्रिटिकल एंगल सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन होगा क्रिटिकल एंगल से या क्रिटिकल एंगल बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से हम कहेंगे तब नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा दैट मीन्स जो आपकी लाइट रे है रिफ्रैक्शन करेगी अब अगर आपका आई बराबर सी हो जाता है दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू हो जाता है क्रिटिकल एंगल के तो आपको पता है रिफ्रैक्शन कितने डिग्री पर होता है नाइन्टी डिग्री पर होता है ओके नेक्स्ट केस थर्ड आता है आपका आई ग्रेटर देन सी ये इंपॉर्टेंट है आपका इट इज़ द कंडीशन ऑफ किसकी कंडीशन आपकी ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन है कि इफ एंगल एंगल इज़ होगा क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है जब ठीक है तो कितना हो जाएगा हमने क्या किया जब आई ग्रेटर देन सी होगा तो लाइट रिफ्रैक्शन ना करके उसी मीडियम्स में उतनी ही एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है और इस कंडीशन को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप देख भी सकते हैं वन ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ डेंसर मीडियम रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन अ डेंसर मीडियम इज इंसिडेंट एट द सरफेस ऑफ अ रेयर मीडियम एट द एंगल ऑफ़ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया द रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड इन टू द डेंसर मीडियम कि जब कोई लाइट रे ट्रैवल करती है डेंसर से रेयर मीडियम में इस तरह से कि एंगल ऑफ इंसिडेंस उसे मीडियम का बड़ा बनता है क्रिटिकल एंगल से तो हम कहते हैं वो लाइट टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है और इस फिनमना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब कंडीशंस आपको पता चल गई दो कंडीशन होनी चाहिए लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रैवल करनी चाहिए और एंगल ऑफ़ इंसिडेंस बड़ा बनना चाहिए क्रिटिकल एंगल से ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें कुछ पता ही है अगर हम क्रिटिकल एंगल और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं तो क्या होगा आप देख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर कितना होगा आपका रिफ्रैक्ट हमने एक मीडियम एयर माना है एक मीडियम ग्लास माना है लाइट टोटल इंटरन रिफ्लैक्ट नहीं हो रही है बट रिफ्रैक्शन हो रहा है आपका क्रिटिकल एंगल पर क्रिटिकल एंगल आपका कब होता है जब आर नाइन्टी डिग्री होता है तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा म्यूज इक्वल्स टू वन अपॉन साइन सी नेक्स्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन अ ग्लास प्रिज्म जब लाइट आपकी कितने डिग्री पर डाइवर्ट होती है नाइनटी डिग्री पर इसका आप ये बात ध्यान रखेंगे जब ये डायग्राम आप बनाएंगे हमें तीन कंडीशन सेटिस्फाई करानी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा लाइट में जब आई हमेशा क्या बनेगा बड़ा बनेगा सी से और याद रखना है आपको ग्लास के लिए जो आपका क्रिटिकल एंगल होता है वो फोर्टी टू डिग्री होता है ठीक है तो देखिए नाइन्टी डिग्री पर आपने एक रे डाली नॉर्मल ए बी के ठीक है तो आपको पता है नाइन्टी डिग्री पर कोई रे जाती है तो रिफ्रैक्टेड यहाँ देखिए ध्यान से ये आपकी नाइन्टी डिग्री पर ये वाली रे आपकी जा रही है ठीक है तो ये विदाउट एनी रिफ्रैक्शन सीधी चली जाएगी जब ये ए सी पर जाकर इंसिडेंस होती है तो वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनता है नॉर्मल के साथ फोर्टी फाइव डिग्री अब देखिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है क्रिटिकल एंगल फोर्टी टू है और इंसिडेंस एंगल फोर्टी फाइव है दैट मीन्स आई ग्रेटर देन सी लाइट क्या करेगी टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी कितना नाइनटी डिग्री पर इसी तरह से वन एटी डिग्री पर है एप्लीकेशंस है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन की पहला स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड जो डायमंड की आपकी चमक होती है वो किसकी वजह से होती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होती है कि जो आपका डायमंड है उसकी कटिंग इस तरह से की जाती है कि जब लाइट उसमें एंटर करती है तो हर एक एंगल से कितना एंगल बनाती है वो नाइन्टी डिग्री मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें होता है तो इसलिए डायमंड हमारा क्या करता है हर एक एजिस पे से स्पार्कल करता है चमकता है मिराज इफेक्ट आपको पता ही है ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है दैट मीन्स एक भ्रम भ्रम होता है कि जब आप गर्मियों के दिनों में हॉट हॉट समर्स डेज में आप कहाँ जाते हैं कोल रोड पर जाते हैं तो आपको रोड पर ऐसा लगता है कोई शिमरिंग पूल है पानी झिलमिला रहा है बट एक्चुअल में क्या होता है वो भ्रम होता है वो किसकी वजह से होता है कि जो आपकी लाइट है वो किस तरह से ट्रैवल करती है क्योंकि गर्मियों में जो आपकी सरफेस की एयर होती है वो गर्म होती है हॉट एयर आपको पता है लेस डेंस होती है कोल्ड एयर जो होती है हाई डेंस होती है दैट मीन्स जो आपकी कोल्ड एयर होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा दैट मीन्स वो डेंस मीडियम होगा और जो हॉट एयर होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा दैट मीन्स रेयर मीडियम होगा तो जब लाइट रे ट्रैवल करती है कैसे हॉट कोल्ड एयर टू हॉट एयर दैट मीन्स पेड़ों से सरफेस पर आती है तो इस तरह से लाइट आती है कि वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमें एक उसकी इमेज इल्यूजन हमें दिखाई देता है जिस वो पानी की तरह हमें दिखाई देता है उसी को कहते हैं हम कि क्या है मिराज इफेक्ट है इसी तरह से आप ये देख सकते हैं इधर डाइग्राम में के क्या आ रही है लाइट आपकी रे आ रही है कोल्डर एयर ऊपर है हॉट एयर नीचे है तो रेयर से डेंसर तो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी और इसकी एक इमेज पर्सन को कहाँ इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी ये आपका कहाँ पर होता है डिज़र्ट में ज़्यादा होता है रेगिस्तान में ये मिराज इफ़ेक्ट ज़्यादा देखा जाता है क्यों देखा जाता है बिकॉज़ वहाँ पर आपका गर्मी ज़्यादा होती है हॉट समर डेज में इसे आराम से आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल फाइबर्स ऑप्टिकल फाइबर्स आपको पता है ये हेयर की तरह थिन लॉन्ग क्या होते हैं स्टेंट धागे होते हैं जो कांच के होते हैं क्वार्स आप कह सकते हैं सराउंडेड होता है ग्लास के कोटिंग होती है ये ऑप्टिकल फाइबर्स को हम लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स के लिए क्या करते हैं यूज़ करते हैं ये भी किस पर वर्क करते हैं आपके टोटल इंटरन रिफ्लेक्शन पे वर्क करते हैं ठीक है याद दें देखें प्रोपिगेशन ऑफ लाइट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर क्या है when light is incident on one end of the fiber at a small angle it goes inside and suffer total internal reflection because angle of incidence is greater than the critical angle that means जब aapki jo aapki cladding hoti hai that means ऊपर wala surface jo hai uska refractive index hai 1.48 और glass core जो है उसका ज़्यादा होता है और है, है, आपको पता है angle of incidence क्या होना चाहिए greater होना चाहिए किससे critical angle से तभी आपका total internal reflection होता है तो आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें भी क्या होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है नेक्स्ट टॉपिक आपका लेंसेज स्टार्ट करेंगे आपको पता है लेंसेस क्या होते हैं लेंस क्या होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम है, होते हैं जो बाउंडेड होते हैं किससे स्फेरिकल सरफेसेस से या दोनों स्फेरिकल हो सकती हैं एक स्फेरिकल हो सकती है एक, एक प्लेन हो सकती है तो उसी के बेस पर प्लेनो कॉनकेव या प्लेनो कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स प्लानो कॉन्केव कॉनकेवो कॉन्वेक्स तो नेक्स्ट डिटेल में हम लेंस के लिए जो डरीवेशनस हैं वो करना स्टार्ट करेंगे ओके okay?